फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 22 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना ने हुजूरनगर विधानसभा क्षेत्र के सल्लापल्ली गांव में दलित बंधु योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पायलट आधार पर इस योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विभिन्न स्तरों पर दलित बंधु समितियों की स्थापना की जाएगी और इन्हें दलित संरक्षण कोष के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चलिए आपको तेलंगाना के बारे में बात। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई साउंडराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन करना ना भूलें। वहां आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा, फर्स्ट डिजिट है आज का 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। भारत ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 56 किलोमीटर की दो नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आर्थिक विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट IEG सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, NK सिंह जी को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया जो 1992 से IEG के अध्यक्ष थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने IEG की आम सभा में विचार के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण इस पद से इस्तीफा दे दिया। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं NK सिंह जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसके अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने। बात करें भारत में लॉ फाउंडेशन डिसाल्ट सिस्टम के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा 9 प्रवर्तकों यानी इनोवेटर्स के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि SEP 3.0 की तीसरी श्रृंखला शुरू की है। इस बार का थीम है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे 2017 में लामेन आला पाटे फाउंडेशन और ला फाउंडेशन डसाल्ट सिस्टम यूरोप द्वारा फ्रांस में रोल आउट किया गया था। चलिए आपको नीति आयोग के बारे में बात है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन एंड योजना आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन होते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। CEO अमिताभ कांत जी। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम देश के साथ। भारतीय नौसेना ने समुद्री सहयोग के हिस्से के रूप में
दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया है। INS रणविजय और INS कोरा ने वियतनाम पीपल्स नेवी फ्रिगेट VPN लाई थाई ट्रू के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। चलिए चलते हैं, आपको सेकंड डिजिट नोट करा दें आज का। सेकंड डिजिट आज का 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस संगठन ने ई सील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने एक नए जमाने का सुरक्षा समाधान SBI लाइफ ई सील्ड नेक्स्ट एक व्यक्तिगत नॉन लिंक्ड जीवन बीमा शुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किया है, जो ना तो शेयर बाजार से जुड़ा है और ना ही कोई लाभ या लाभांश से साझा करता है। या 3 प्लान विकल्प प्रदान करता है। पहला लेवल कवर, बढ़ते कवर और फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट के साथ लेवल कवर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य के शासित प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसमें 7 देश भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। इस विशेष प्रदर्शनी को OD आर्ट सेंटर के सहयोग से राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकेडमी नई दिल्ली द्वारा क्यूरेट किया गया है। चलिए चलते हैं, आपको दिल्ली के बारे में बात करें। दिल्ली का गठन 1911 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी। कैपिटल है फर्स्ट CM है चौधरी परम प्रकाश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्यनाथ झा जी। फर्स्ट लेडी CM थी सुषमा स्वराज जी। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। दिल्ली हाईकोर्ट का नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन एंड ज्वाइंट गाइडेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग और अंतर संचालनीयता को आगे बढ़ाने के लिए नौसैनिक सहयोग के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और ऑस्ट्रेलिया नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल माइकल जे नूनन के बीच ज्वाइंट गाइडेंस फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप्स दस्तावेज के लिए हस्ताक्षर समारोह वर्चुअली आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेशनल डे 26 जनवरी। बात करें नेशनल एनिमल की तो कंगारू। ऑस्ट्रेलिया को गेम्स ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। नेशनल गेम है क्रिकेट। 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया ही है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस संगठन के साथ कैपिटल फ्लोट ने अपने बाय नाउ पे लेटर समाधान का विस्तार करने के लिए भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजोर पे के साथ। बात करें कैपिटल फ्लोट ने अपने बाय नाउ पे लेटर समाधान वॉलनट 369 का विस्तार सभी रेजर पे सक्षम ऑनलाइन व्यापारियों तक करने के लिए रेजर पे के साथ भागीदारी की है। ग्राहक खरीदारी करते समय साइन अप कर सकते हैं और 3, 6 या 9 महीने में खरीदारी के लिए भुगतान कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। हाल ही में किस संगठन के साथ पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ A&B यानी मेक माई ट्रिप और IBO के साथ। बात करें पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए मेक माई ट्रिप और IBO ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने पहले ही क्लियर ट्रिप, yatra.com और ईज माई ट्रिप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। चलिए चलते हैं, आपको थर्ड डिजिट नोट करा दें आज का।
38H का 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने से मैं ऐसे वीडियो बनाने में आगे और मेहनत करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संगठन ने हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला स्थापित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओप्पो संगठन ने। बात करें स्मार्टफोन निर्माता ओप्पो ने अपने हैदराबाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में कैमरा इनोवेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड लैब की स्थापना की है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके स्थानीय सुविधाओं, कैमरा समाधान विकसित करने और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए इमेजिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए चलते आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस संगठन ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक ने। बात करें विश्व बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा विकास एजेंडा को बेहतर ढंग से परिभाषित करना और व्यवस्थित रूप से रोल आउट करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इनके कार्यक्रमों और वित्त पोषण में साइबर सुरक्षा के विचारों का अधिक महत्वपूर्ण प्रतिबंध हो। चलिए चलते हैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में आते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें आप लोग, वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेसिडेंट है इस टाइम डेविड मालपास। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को आपको रिवीजन कराते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के लिए लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेल रहे मनन शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट कर लें। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यूएसए देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 9.4% लगाया है। बात करें इंडिया देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है। विश्व मच्छर दिवस हाल ही में 20 अगस्त को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, MAMI फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। इससे पहले दीपिका पदुकोण अध्यक्ष थी। क्वेश्चन टू था, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने का घोषणा किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य सरकार ने। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? क्वेश्चन टू है, केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली, वीकली, मंथली और शॉर्ट जीके जीएसटी की वीडियोस के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। आज का लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग, आज का लास्ट डिजिट है 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।